दिल्ली के फिल्मिस्तान में फिर से लगी आग, 24 घंटे के बाद भी निकल रहा धुआं, दमकल की गाड़ियां पहुंची। दिल्ली के दर्दनाक अग्निकांड पर बिहार तक हाहाकार, हादसे में 43 लोगों की गई जान। दिल्ली के फिल्मिस्तान इलाके में हादसा, गैरकानूनी तरीके से चल रही थी फैक्ट्री। दिल्ली के 5 अस्पतालों में भर्ती घायलों का इलाज, 25 से ज्यादा लोगों का हुआ रेस्क्यू। राहत कर्मियों ने दिखाई जाबाजी, लीडिंग फायरमैन सुनील कुमार मोबाइल की घंटियों के सहारे घायलों तक पहुंचे। दिल्ली के अनाज मंडी की आग में सहरसा के 7 लोगों की मौत, पूरे गांव में पसरमा। इसी गांव में है फैक्ट्री चलाने वाले जुबेर का घर, जैकेट बनाने का करता था काम। दिल्ली अग्निकांड मामले में 2 गिरफ्तार, बिल्डिंग के मालिक मोहम्मद रेहान और मैनेजर फुरकान को पुलिस ले गई थाने। मोहम्मद रेहान के दोनों भाई शान और इमरान भी हिरासत में, जारी है पूछताछ। दमकल कर्मचारी राजेश शुक्ला ने अकेले 20 घायलों का किया रेस्क्यू, कंधे पर उठाकर निकाला बाहर। फैक्ट्री को नहीं मिला था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पूरी तरह से सील थी इमारत। अग्निकांड में बिजनौर के मुशर्रफ अली की भी मौत, दम तोड़ने से पहले दोस्त को किया फोन, आशिता के पास पूरी रिकॉर्डिंग। हादसे में बचे अफजल ने बताया, फैक्ट्री से बाहर निकलना मुश्किल, खिड़की की दरार से ले रहा था सांस, कपड़े से ढका था मुंह। घटनास्थल पर पहुंचे थे सीएम अरविंद केजरीवाल, हादसे के 6 घंटे बाद पहुंचने पर सीएम पर उठे सवाल। इलाके में चल रही है 150 से ज्यादा अवैध फैक्ट्रियां, यहां नाबालिग भी करते थे काम। माना जा रहा है ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान, घायलों को मिलेगा 1 लाख। मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलेंगे 2-2 लाख रुपए, बिहार के मृतकों को बिहार सरकार की ओर से 2 लाख का मुआवजा। अग्निकांड पर सियासत शुरू, बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने की दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। कनाडा के सियासी इम्तिहान के नतीजों का दिन, उपचुनाव के सभी 15 सीटों के लिए वोटों की गिनती। बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस ने जीत का किया दावा, सरकार बचाने के लिए येदियुरप्पा को कम से कम 7 सीटों तक दर्ज करनी होगी जीत। येदियुरप्पा का दावा, बीजेपी 15 में से 13 सीटों पर दर्ज करेगी जीत, कांग्रेस और जेडीएस को 1-1 सीट का दावा। नतीजों से पहले कुमार स्वामी की सेहत नासाज, थकावट और ब्लड प्रेशर की वजह से डॉक्टरों ने 10 दिन आराम करने की दी सलाह। कर्नाटक उपचुनाव के नतीजे के 1 दिन पहले शिरडी के दौरे पर आए पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा, साई दरबार में लगाई हाजिरी। आज संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक होगा पेश, गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में रखेंगे बिल। बीजेपी ने जारी किया व्हिप, सभी सांसदों को 1 सप्ताह तक संसद में रोज आने का फरमान। सिटीजनशिप बिल, कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, बिल का पास होना बापू के विचारों पर जिन्ना की होगी जीत। उन्होंने कहा, विधेयक अगर संसद से पास हुआ तो सुप्रीम कोर्ट संविधान की मूल भावना का नहीं होने देगी उल्लंघन। मायावती के लखनऊ में बीएसपी नेताओं के साथ बैठक, नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करेगी पार्टी। कांग्रेस नेताओं की कल शाम 10 जनपद में बैठक, कहा यह बिल संविधान के खिलाफ, धर्म के आधार पर देश को बांटने की साजिश। नागरिकता संशोधन बिल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह बिल उनके लिए है जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में रहने लगे। शिया समुदाय ने कहा, वो एनआरसी के समर्थन में है, लेकिन नागरिकता संशोधन बिल में पाकिस्तान अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों में शियाओं को भी शामिल करें। असम में बिल पर बवाल जारी, असम छात्र संघ ने मुख्यमंत्री को दिखाए काले झंडे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ ने नागरिकता संशोधन बिल का किया विरोध, मौलिक अधिकारों के खिलाफ जो समर्थन कर रहे हैं वो देश विरोधी। डिब्रूगढ़ में असम गण परिषद ने बुलाई नागरिकता संशोधन बिल को लेकर बैठक, जबरदस्त हंगामा। असम के बोबई गांव में अखिल असम छात्र संस्था ने निकाला मशाल जुलूस, नागरिकता संशोधन बिल का विरोध। बेंगलुरु में भी नागरिकता संशोधन बिल का विरोध, बताया गया मुस्लिम विरोधी। इम्फाल में भी बिल के विरोध में हंगामा, सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। नागरिकता संशोधन बिल के साथ एनआरसी पर भी सियासत तेज, आसनसोल में टीएमसी ने विरोध में निकाली बाइक रैली। सोनिया गांधी नहीं मनाएंगे अपना 73वां जन्मदिन, महिलाओं के उत्पीड़न के बढ़ते मामले की वजह से फैसला।
चेन्नई में कार्यकर्ताओं ने मनाया कांग्रेस अध्यक्ष का जन्मदिन, फ्री आई कैंप लगाया। बागपत में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बीजेपी सरकार को बताया तानाशाह, कहा विपक्ष बिखरा हुआ, नए नेतृत्व की जरूरत। मध्य प्रदेश के ब्यावरा में प्रभारी मंत्री जयवर्धन सिंह ने बयान दिया, जिन लोगों की विचारधारा गोडसे की है उनके लिए इस देश में कोई जगह नहीं। साध्वी के ब्यावरा आने की खबर लेकर शहर में महात्मा गांधी के लगे पोस्टर, कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी ने गांधी साहित्य भेंट देने की की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेता अरुण शौर्य से की मुलाकात, सिर में चोट लगने के बाद अस्पताल में थे भर्ती। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गीता महोत्सव में शामिल होने आए, कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में दीपदान आरती में शामिल। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी फिर दिखे साथ साथ, सोलापुर में एक शादी समारोह में 20 मिनट तक हुई फडणवीस और अजीत पवार की बात। मुंबई की आरे कॉलोनी पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का ट्विटर, लिखा शिवसेना तभी पेड़ कटवाती है जब उसे कमीशन मिलता है। पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के ट्वीट पर भड़के शिवसेना प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं को है झूठ बोलने की बीमारी। उन्नाव में गैंगरेप पीड़ित लड़की का हुआ अंतिम संस्कार, कड़ी सुरक्षा के बीच निकली थी अंतिम यात्रा। परिवार को 35 लाख का मुआवजा, बहन को सरकारी नौकरी का ऐलान, थाना इंचार्ज समेत 7 पुलिस वाले सस्पेंड। उन्नाव और कानपुर देहात की गैंगरेप घटनाओं को लेकर कानपुर सिटी में कैंडल मार्च, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मिले पीड़ित परिवार से। अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार कितने दिन लगाएंगे थाने के चक्कर। लखनऊ में उन्नाव पीड़ित को श्रद्धांजलि देने के समाजवादी पार्टी ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार से इंसाफ देने की गुहार। उन्नाव के बाद लखनऊ में रेप पीड़ित ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवती को जिंदा जलाने की घटना, दरिंदगी के विरोध, आरोपी शख्स ने लगाई आग। पुलिस के मुताबिक 85% जल चुकी है पीड़ित, अभी नहीं हो सका है लड़की का बयान, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में 5 साल की रेप पीड़ित से मिलने पहुंची राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा, लोगों ने वापस जाने को लगाए नारे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नाबालिग के साथ दरिंदगी, 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में से एक नाबालिग। हैदराबाद में मानवाधिकार आयोग की टीम ने पीड़ित के परिवार को पुलिस अकेडमी में बुलाया, मुठभेड़ को लेकर दर्ज किया गया। पुलिस मुठभेड़ पर तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने आरोपियों का शव सुरक्षित रखने का दिया आदेश। उड़ीसा के कोरापुट में SC/ST आवासीय स्कूल में 7वीं की बच्ची के साथ रेप, प्रधानाचार्य के पति गिरफ्तार, पहले भी 10वीं की बच्ची से दरिंदगी। मध्य प्रदेश के दमोह में ठेकेदार की धमकियों से परेशान कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर सड़क पर चटाई, तकिया, चादर और लाइसेंस से बंदूक लेकर आया। इंजीनियर ने कहा, धमकी देकर मनमाना काम कराना चाहते हैं ठेकेदार, सबको तहसील ग्राउंड आकर निपटने की चुनौती, 2 घंटे तक किया इंतजार। यूपी के महोबा और हमीरपुर में बाघ का खौफ, वन विभाग की 2 टीमों ने की तलाशी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो पड़ा। राजस्थान के धौलपुर में दहेज का केस वापस नहीं लेने पर पति ने दिया 3 तलाक, पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों ने चीनी मिल के कर्मचारियों को गन्नों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा, धरना तौले में देरी से बढ़कर गुस्सा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में छेड़छाड़ से तंग आकर युवती ने खुद को लगाई आग, बाद में आरोपी ने भी खुद को जलाने की कोशिश की। बिहार के औरंगाबाद में सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 एजेंट, 4 लड़कियां हिरासत में, विदेशी शराब जब्त। विशाखापट्टनम के वाटरफॉल में हादसा, 1 युवक की डूबने से मौत। रामपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में झड़प, लाठी डंडे और पत्थरबाजी का वीडियो वायरल। नागपुर में हाईवे पर कार बनी आग का गोला, कार सवार लोगों ने कूद कर बचाई जान। राजस्थान के झालावाड़ में पकड़ा गया शराब तस्कर, देशी शराब के 280 कार्टन जब्त। यूपी के देवरिया में परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत मिले करोड़ों रुपए का बंडल बांट, 494 पंचायत कर्मियों पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मुकदमा। असम के तिनसुकिया में 3 मंजिला दुकान में आग, प्लास्टिक के सामानों की होती थी बिक्री, काबू पाने में मुश्किल। ठाणे के कल्याण स्टेशन पर महिला का आधा कटा शव बैग में मिला, बैग छोड़ने वाला शख्स सीसीटीवी में कैद। अहमदाबाद जेल से बाहुबली अतीक का कथित ऑडियो वायरल, प्रॉपर्टी डीलर जैद को दे रहा है धमकी। बातचीत में एक जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराने की धमकी, पुलिस कर रही है ऑडियो की जांच।
महंगे प्याज का असर घर से लेकर होटल तक, होटलों में लिख रखा है कि कृपया प्याज न मांगे। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में हेलमेट पहनकर बाइक चलाने वालों को पुलिस का तोहफा, 1 किलो प्याज मुफ्त मिला। सूरत में रक्तदान करने वालों को 1 किलो प्याज का उपहार, शिवसेना ने किया आयोजन। प्याज पर सियासत भी जारी, यूपी के जालौन में कांग्रेस नेताओं ने 50 रुपए किलो प्याज बेचा, 200 किलो प्याज आधे घंटे में बिक गया। अफगानिस्तान से मंगवाए गए प्याज 85 ट्रक में आया पहले खेप, अभी और आ सकता है प्याज। कोटा में कॉफी विद कलेक्टर का आयोजन, कोचिंग करने आए बच्चों के साथ मिले। बच्चों को तनाव मुक्त रखने के लिए जिलाधिकारी की पहल, डांस और गाने का भी कार्यक्रम। कौड़ी गढ़वाल के रहने वाले शंकर कठैत वायुसेना में पायलट की परीक्षा में कामयाब, विंग कमांडर अभिनंदन को मानते हैं अपनी प्रेरणा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन का बिजली बकाया वसूलने का अनोखा तरीका, लाउडस्पीकर पर गाना चलाकर अपील। पटना के बालवी के छात्र ने बनाया विमेन सेफ्टी ब्रेसलेट, लड़की को छूते ही लगेगा करंट और नजदीकी पुलिस स्टेशन में भेजेगा लोकेशन और मैसेज। तिरुवनंतपुरम T20 में टीम इंडिया के हार, वेस्टइंडीज ने 8 विकेट से दी मात, 178 रन का था लक्ष्य। 1-1 से बराबर हुई T20 सीरीज, आखिरी T20 मुकाबला 11 दिसंबर को मुंबई में। लंदन सिमंस ने खेली 67 रनों की शानदार पारी, लूस ने बनाए 40 रन। इंटरनेशनल T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली ने छोड़ा रोहित को पीछे। नागालैंड के मशहूर हॉर्नबिल फेस्टिवल में कार रैली की धूम, देश भर से 35 टीमों ने की शिरकत। सीरिया के इदलिब में रूसी जंगी जहाजों ने बरसाए बम, हमले में मारे गए 20 विद्रोही। फ्रांस की सड़कों पर सरकार के खिलाफ सैकड़ों कर्मचारी उतरे, पेंशन सुधार की मांग को लेकर मचाया उत्पात। स्विट्जरलैंड में बर्फीले तूफान से बचाव और राहत के लिए अभी से तैयार, कुत्तों को दी जा रही है खास ट्रेनिंग। राजस्थान की सड़कों पर दिखा अनोखा विरोध, दुनिया के बिगड़ते पर्यावरण के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने डांस कर रोका रास्ता। बुडापेस्ट में मछलियों के लिए सांता ने लाए उपहार, शार्क मछलियों को मिला क्रिसमस का तोहफा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।